Assalamualaikum, grade four. कैसे हैं आप सब to नेम lessons. Students आज हम बात करेंगे lesson number three के बारे में हम पढ़ रहे हैं unit number six, और हम बात कर रहे हैं aliens के बारे में हमारे इस का है Let's Visit Earth. तो आइए आज इस को पढ़ते हैं हाँ जी ग्रेट Four आज हम बात करने जा रहे हैं उस रीडिंग के टॉपिक की जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं लेसन वन एंड लेसन टू से तो आज हम रीड करने जा रहे हैं साइंस फिक्शन डायरी इस डायरी के अंदर छह बातें लिखी गई हैं ठीक है छह पैराग्राफ्स के अंदर बताया गया है कि वो एक्चुअल स्टोरी क्या थी किस तरह से एलियन इस अर्थ पे आए उन्होंने विजिट किया उन्होंने देखा क्या क्या देखा और उन सारी चीजों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है बच्चों उस सबको आप रीड करेंगे एक्सरसाइज नंबर से स्टार्ट करते हैं रीड वेयर हैव द एलियंस लैंडेड आप जब रीडिंग कर चुकेगे उसके बाद आपको पता चलेगा इस बात का जवाब कि एलियंस कहाँ लैंड किए थे बिल्कुल ये बात तो हमें पहले ही पता है कि तमाम एलियंस जो थे वो लैंड किए थे द प्लैनेट अर्थ पे ठीक है हम खाली अर्थ नहीं बोलेंगे इसको हम लिखेंगे द प्लैनेट अर्थ ठीक है बच्चों ऑल राइट अब हम रीड करने वाले हैं जो आपकी बुक पे दिए गए डायलॉग्स हैं उनको देख लेते हैं लुक प्लान कौन बात कर रहा है ये वो एलियन जो ग्रीन कलर के बने हुए नजर आ रहे हैं आपको ये वो बात कर रहे हैं आपस में और दूसरा एलियन कह रहा है अर्थ लिंक बेसिकली एक वर्ड है जो किस लिए इस्तेमाल होता है ह्यूमन एलियन के लिए इसका मतलब ये है कि दूसरे सियारे से, से आने वाले लोगों के लिए हम एलियन है जैसे हमारे लिए वो एलियन है इसीलिए जो दूसरे ऐसे आर से आने वाले लोग हैं यानी हमारे लिए जो एलियन है वो हमें अर्थलिंग कहते हैं यानी ऐसे लोग जो जमीन पर रहते हैं ओके okay. पिक्चर में आप देखें लेट्स गो आउट एंड हैव अ लुक पुट ऑन योर अर्थ सूट फर्स्ट इसका मतलब यह है कि वो जो एलियन है उन्होंने क्या किया अर्थ सूट पहना ठीक है ऐसे कपड़े पहने जो वो अर्थ में यानी प्लान अर्थ पे जमीन पर पहन के घूम सकते हैं ओके थर्ड पिक्चर डोंट फर्केट टू राइट योर डायरीज इसी तरह वो क्या कर रहे हैं वो जो दोनों मिलकर अपनी के अंदर सारी करेंगे अपनी बुक के अंदर दिए गए इन डायलॉग्स को पढ़ें और देखें कि किस तरह क्या हो रहा है ओके नंबर थ्री रीड द डायरी वेन डिड द एलियन सी दीज पीपल आप ये डायरी पढ़ें ट अर्थ ठीक है ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं ये उनकी डायरी का टाइटल है तो इस डायरी में छह बातें लिखी हैं उनको आप पढ़ें और उसके बाद इस डायरी को कंप्लीट करें ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ आप इस काम के लिए तैयार हैं जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें रीड करके वापस मेरे पास आए ताकि मिलके हम इस एलियन की डायरी को पूरा कर सके ओके स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ चुके हैं हम अब बात करने वाले हैं इस एलियन की डायरी की रीड द डायरी व्हेन डिड एलियन सी दीज पीपल उस एलियन ने इन लोगों को कब देखा नंबर 1 द सैंडविच ईटर वो जो सैंडविच खा रहा था सैटरडे को ठीक है द कार वॉशर वो जो, जो शख्स गाड़ी धो रहा था उसको देखा कब फ्राइडे को द हाउसवाइफ वो जो औरत घर में काम कर रही थी उसको देखा वेडनेसडे को द टीवी वॉचर्स कुछ लोग जो टीवी देख रहे थे टेलीविजन देख रहे थे उसको देखा उसने संडे को द स्कूल बॉय वो जो लड़का स्कूल जा रहा था उसको देखा थर्सडे एंड द ट्रेन ट्रैवलर्स ट्रेन में सवार लोग ट्रेन के मुसाफिर ट्यूसडे को तो आपने एलियन की डायरी के अंदर ये सारी बातें फिल करनी है ओके okay? ऑलराइट right. अब हम इस एक्सरसाइज के बाद अगली एक्सरसाइज करने लगे हैं ओके okay, बच्चों तो ये जो एलियन था हमारा इसकी डायरी का टाइटल मैंने यहाँ टॉप पे लिखा है विजिट टू Planet Earth आपका काम ये है कि आप एक दफा दोबारा इसको रीड कर लें क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने उसकी डायरी में फिल की है आपको एक दफा से वो रिवाइज हो जाएगी ठीक है बच्चों अच्छा अगला पार्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर ट्रांसलेट ट्रांसलेट हमने translate करना है क्या एलियन इंग्लिश एक ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज जो कौन बोल रहा है वो जो लोग दूसरे प्लान से आए हैं ठीक है और एक इंग्लिश इंग्लिश है इस बात का मतलब ये है कि ऐसी इंग्लिश जो हम बोलते हैं यानी इंग्लिश पीपल बोलते हैं ठीक है ओके हम क्या करने वाले हैं अब यहां से एक वर्ड पढ़ेंगे देखेंगे कि वो यहां पर हमारी इंग्लिश के साथ किस तरह मैच करती है ठीक है अगर आपने ये पार्ट पढ़ा है विजिट टू प्लैनेट अर्थ तो ये काम आपके लिए करना बहुत आसान है जल्दी से इसको देख लेते हैं वॉर्म उसने कहा कि एक सांप की तरह छोटे सांप की तरह लगता है क्या अ ट्रेन ठीक है अ फीडिंग स्टेशन जी अ ट्रेन स्टेशन सेल क्लोथ ड्राई देयर क्लोथ ठीक है जो इंसान जिस तरह अपने कपड़े रस्सी के ऊपर सूखने के लिए डालते हैं एलियंस कहते हैं ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने कपड़े बेचने के लिए रखे हैं ठीक है ईयर हीटर्स कानों को गर्म करने वाला आला ईयरफोन्स ठीक है स्मॉल हाउस अकार ब्रॉड स्ट्रीट एक चौड़ी सी सड़क बीच बीच को उसने एक बहुत ब्रॉड सी स्ट्रीट कहा है ठीक है इम्पोर्टेंट बॉक्स टीवी शेकिंग बॉडी डांसिंग ठीक है बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं और आपने इनको अपनी बुक के ऊपर मेरे साथ सॉल्व कर लिया है अब हम करने जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज और अगली एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपका ये सारा काम करना बहुत जरूरी है ओके ऑल राइट ओके okay, बच्चों अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज हमारी सवाल जवाब की है क्वेश्चन एंड आंसर्स की है जल्दी से इस काम को मेरे साथ देख लें अब हम करने जा रहे हैं सवालों के जवाब ठीक हो गया चले जी मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आंसर्स मैंने यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिए हैं ठीक है ठीके? मैं जिस जिस तरह क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी आप अपनी बुक में से क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ आप आंसर्स भी यहां से देख लेंगे ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर वन वेयर वर द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन वो जो लोग थे वो ट्रेन का इंतजार कहाँ पे कर रहे थे एट द स्टेशन कौन से के हां स्टेशन के ऊपर जी रेलवे स्टेशन के ऊपर तो ये आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर का आंसर. Okay. वो जो औरत थी वो रस्सी के ऊपर कपड़े क्यों डाल रही थी आइए देखते हैं शी wanted टू ड्राई देम वो चाह रही थी कि कपड़े सूख जाएं. ठीक है और एलियन ने वो देख लिया नंबर थ्री

और क्यों राइटर यानी कि जो हमारे एलियन हैं वो क्यों इसके बारे में अफसोस महसूस कर रहे हैं ठीक है आंसर देख लेते हैं He thought the car was the man's house. उसको लगा कि उस आदमी का घर क्या है वो गाड़ी इसीलिए नंबर फाइव वट डिड वन ऑफ द स्पेस शिप्स टेक वो जो स्पेस शिप्स थी वो क्या ले गई अपने साथ नंबर फाइव द बॉयज सैंडविच उस लड़के का सैंडविच जो वो खाने वाला था तो यहाँ तक बच्चों इन सवालों के जवाब भी हमने दे दिए आपका काम यह है कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इन सारे सवालों के जवाबों को लिखना है क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में यह काम भी पूरा करना है बच्चों यहाँ तक हमारा लेसन नंबर थ्री भी हो गया बिल्कुल कंप्लीट अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहाँ हम मिल सॉल्व करेंगे लेसन फोर एंड लेसन फाइव तब तक के लिए अपना काम करते रहिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़